जोहार, नमस्कार। आपने कभी थरथराता थाई मसाज का नाम सुना है? भरभराता थाई मसाज का नाम सुना है? सैंडविच मसाज का नाम सुना है? अगर नहीं सुने होंगे तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले एक वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपसे। गरीब है बेचारी महिला, कितना पैसा भेज दे और नकल उकल सब लिफाफा में हम भी भेज देंगे। और दू ठो औरत जाएगी आधार कार्ड लेके, बेलर में जाएगी ना? हाँ, तो आप यहाँ कब भेज दें इसको? सोमवार को भेज दिया जाएगा, आज तो बंद है। अच्छा, तो सोमवार को आपको पूरा पता मोबाइल नंबर देके और सब भेज देते हैं। पप्पू बाबू से अपना मिल लेंगे, एकदम करा दीजिए। देखिए, हाँ, कहे कि इसमें 10,000 मेरा ही खर्चा। गरीब है बेचारी महिला, कितना पैसा भेज दे और नकल उकल सब लिफाफा में हम भी भेज देंगे। और दू ठो औरत जाएगी आधार कार्ड लेके, बेलर में जाएगी ना? हाँ, तो आप यहाँ कब भेज दें इसको? सोमवार को भेज दिया जाएगा, आज तो बंद है। अच्छा, तो सोमवार को आपको पूरा पता मोबाइल नंबर देके और सब भेज देते हैं। पप्पू बाबू से अपना मिल लेंगे, एकदम करा दीजिए। देखिए, हाँ, कहे कि इसमें 10,000 मेरा ही खर्चा। आपने वीडियो देख लिया? वीडियो में थानेदार साहब दो महिलाओं से थर थराता थाई मसाज ले रहे हैं। और ये वीडियो कहाँ का है आपको बता देते हैं। ये वीडियो भारत के सबसे अजूबा राज्य बिहार का है। बिहार के सहरसा जिले के एक थाने से ये वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि ये वीडियो 2 महीना पहले की है, लेकिन अभी वायरल हुआ है और इस पे माहौल पूरा गर्म हो गया है। पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लगी है। सोशल मीडिया पे वीडियो पूरे तरीके से वायरल हो गया है और इसमें बिहार पुलिस के कारनामों की चर्चा हो रही है। आए दिन बिहार पुलिस अपने अलग अलग कारनामों से चर्चा में रहती है, लेकिन ये कारनामा देख के चर्चा और ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरा सवाल ये है, पब्लिक जो है पुलिस पे भरोसा करती है, प्रशासन पे भरोसा करती है, ये सब वीडियो देख के क्या भरोसा और विश्वास होगा पुलिस और प्रशासन पे, ज़रा बताइए आप। अगर आपके रास्ते से पुलिस गुजरती है, आपके शहर में पुलिस है, तो आप एक सेफ्टी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि प्रशासन है, पुलिस है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई मुसीबत में होता है, कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन दरवाजे पर जाने के बाद थरथराता थाई मसाज करवाने लगे थानेदार साहब, भरभराता थाई मसाज करवाने लगे, तो पब्लिक के मन में क्या विचार आएगा, ज़रा बताइए आप। और बिहार में आए दिन ऐसे कारनामे होते हैं, ये एक वीडियो नहीं है, कम से कम हज़ारों वीडियोस हैं। कोई घूस लेते पकड़ा गया, कोई मसाज करवा रहा है, कोई लड़की के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, अनेकों प्रकार के वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे। और वीडियो की इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है तेज़ी से। आपको बता दें कि जो महिला थी वो अपने बेटे को जेल से छुड़वाने के लिए थानेदार साहब के पास गई थी मदद के लिए, गुहार लगाने के लिए कि थानेदार साहब हमारे बेटुआ को निकलवा दीजिए। जो भी मामला होगा, पूरा मामला अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते यहाँ पर, उस मामले को अब सिफारिश के लिए क्या करना पड़ा, महिला को थरथराता थाई मसाज देना पड़ा थानेदार साहब को। हालांकि थानेदार साहब को वहाँ के SP ने सस्पेंड कर दिया है। आप समझिए कि सोशल मीडिया में कितना ताकत है, कितना पावर है। वो थानेदार साहब कितना रंगीन मिजाज के हैं आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये बिहार पुलिस का कारनामा है जिसे बिहार पुलिस शर्मसार हो चुकी है, शर्मसार हो गई है। अब बस सवाल इतना सा है कि आप उस औरत की बात को समझिए, उस औरत के लाचारी को समझिए कि क्या ऐसी मजबूरी रही होगी कि उनको थरथराता थाई मसाज देना पड़ा थानेदार साहब को। थानेदार का नाम है शशिभूषण, बताया जा रहा है कि वो पटना के रहने वाले हैं, सहरसा में उनकी पोस्टिंग है। और शशिभूषण साहब इतना एकदम थरथराता थाई मसाज ले रहे हैं एकदम। और सबसे खास बात यह है कि ये थाने में मसाज चल रहा है और इनके करतूतों को किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वो वीडियो वायरल हो गया है। पुलिस के बहुत सारे काम अच्छे होते हैं जिससे लोग अप्रिसिएट भी करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे कारनामों को देखकर पुलिस से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और क्रिमिनल के मन से खौफ और डर ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी क्रिमिनल के मन में पुलिस का कोई डर और खौफ नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये वीडियो देखने के बाद तो और खौफ और डर ख़त्म हो जाएगा। क्रिमिनल भी समझेगा कि थरथराता थाई मसाज दे के काम चल जाएगा हमारा। समझ रहे हैं ना आप लोग बिहार वासियों।
तो ये सारे कारनामे बिहार में होते हैं या अलग अलग राज्य में भी होते हैं, जरा हमें कमेंट करके बताइए आप। वायरल वीडियो को देखकर सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा, बिहार सरकार से सवाल पूछना चाहूंगा, प्रशासन से सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये वीडियो देखकर क्रिमिनल के मन में कोई खौफ बचेगा, कोई खौफ रहेगा? प्रशासन जरा बताइए हमें आप, क्या लोगों के मन में आपके प्रति एक विश्वास रहेगा? जनता बताइए आप भी। ऐसे ऐसे कारनामों से देश परेशान है, ऐसे ऐसे कारनामों से बिहार परेशान है। समाज का आईना है, समाज को सुधारने का आईना है पुलिस प्रशासन, लेकिन उस आईना में थरथराता मसाज चल रहा है। बस मेरा सवाल ये है कि ऐसे कब तक चलेगा हमारे देश में? वो तो सोशल मीडिया का जमाना है कि ऐसे लोगों के कारनामों को सजा मिल जा रही है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? क्या हमारा समाज ऐसे सुधरेगा? तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भवकाल टीवी न्यूज़, और हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आपके राज्य में भी ऐसे कारनामे होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।